कृष्णा भाई का फोन आ गया, उन्हीं के पास जा रहे हैं। गाय को रोटी दे दी, एक्चुअली वो गाय है ना थोड़ी। दो भाई का एक किस्सा याद आ गया, तो चलो ठीक है। ऑटोमोटिव 17 करके उनका यूट्यूब पेज है। गढ़ में आएंगे तो ये इस टाइप का फुहारा फुहारा सा। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई, अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, इंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है डैड चंडीगढ़ गाय। सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे, कैसे देखते जाइए आगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके पीछे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे द डेट इज 15th of Feb 2023। कृष्णा भाई का फोन आ गया, उन्हीं के पास जा रहे हैं। हाँ, कृष्णा भाई था तो कृष्णा भाई और एक और भाई थे, सोनू भाई था शायद उनका नाम। उन दोनों के नाम प्रसाद हमने मथा चढ़ा दिया था, मतलब मथा वहाँ पे शीश नवा दिया था उनके नाम से। और यहाँ पर है गौ माता, तो गौ माता को यहीं दे दे क्या, यहीं दे देते दे हैं रोटी। ठीक है, रोटी देते हैं और अलग अलग गौ माता, और एक ही गौ माता है क्या, एक ही गौ माता है यहाँ पे, सो एक ही गौ माता को दे दे। अरे पास आ जाओ माता, उतर के जाना पड़ेगा, रुको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और उतर के फिर हम दे देते हैं गौ माता को रोटी। गौ माता को रोटी दे के आते हैं। गाय को रोटी दे दी, एक्चुअली वो गाय ना थोड़ी बूढ़ी लग रही थी तो हिल नहीं रही थी, तो इस करके चलो बूढ़ी को सही हो गया, तीन रोटियाँ एक साथ मिल गई। हाँ हाँ, तीन रोटियाँ एक साथ मिली। और अब चलते हैं फटाफट ऑफिस के लिए, और एक काम और है वो देखते हैं हम बीच में करते जाएंगे हम। अरे थैंक यू, ये पहले वहाँ लग गया था, आप नहीं लगा, थैंक यू। दो भाई का एक किस्सा याद आ गया, तो चलो बता देता हूँ। उनके पास एक्चुअली फैंस काफ़ी आते थे जब वो पुराने घर पे थे, तो वहाँ पर एक और फैन आया था, ज़्यादा वो नहीं था, डाउन टू अर्थ ही था वो, ठीक है। और वो मोटरसाइकिल पे आया था, मोटरसाइकिल उसका किसी ने चोरी कर लिया, तो सिद्धू भाई वाज सो मच हम्बल कि उनको जैसे ही पता लगा उन्होंने पूछा कितने का था, सो उतना उन्होंने एट द सेम टाइम उस बंदे की उन्होंने मदद करी। और मतलब दिस काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो कहीं ना कहीं एक हम इंसान के अंदर होनी चाहिए, एंड वो उनके अंदर थी। वो इतने बड़े थे बट एट दैट टाइम वो फिर भी डाउन टू अर्थ थे, मतलब जो उन्होंने लिखा जो उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं देखो जाने के बाद बंदे बहुत करते हैं ऐसे था ऐसे था, तो जब बंदा होता है तब उस टाइम क्यों नहीं याद करते, व्हाई, इट इज़ अ क्वेश्चन जिसका कोई आंसर नहीं है। क्या कुछ चीज़ें होती हैं ना जो शायद छोड़ देनी चाहिए, तो शायद हमें भी शायद वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का थिंकिंग प्रोसेस अलग है, हर इंसान अलग टाइप से सोचता है। सो यू कॉन्ट चेंज द वर्ल्ड बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई, और शायद वही उन्होंने ट्राई किया था। गढ़ में आएंगे तो ये इस टाइप का फुहारा फुहारा सा आएगा, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, शायद पानी देने का एक नया जरिया निकाला, तो बढ़िया, इससे पानी दिया जाता है, पेड़ों को पानी मिल जाता है। अब हल्की हल्की कहीं ना कहीं गर्मी होने लगी है, और अगर आप इस टाइम निकलते हैं यहाँ से अपना ऑफिस के लिए, तो ये वाला रश, मतलब ये वाला जो रोड है लेक वाला, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। टाइम तकरीबन 10 बज गए हैं। लेट क्यों हो गया, कहीं ना कहीं मैंने वो शायद बताया, क्यों बताया, नहीं बताया, बताया। वाइफ थोड़ा बीमार हो गए थे, उनको फीवर वीवर हो गया था, तो मैंने थोड़ा हेल्प किया। और यही होता है कि जब कोई हेल्प, मतलब जब कोई बीमार पड़े तो दूसरा बंदा उसकी हेल्प करे, यही एक ज़िंदगी का रूल है, यही एक सिद्धांत है, इसी के ऊपर आपको चलते जाना है, तभी तो आएगा मज़ा। दोनों जब एक साथ मिलके चलेंगे, नहीं तो अगर मान लो एक आधा टायर पंचर हो जाए तो उसको दूसरा टायर भी वहीं पर रुक जाता ना, तो एक स्टेपनी चाहिए होती है, और वो स्टेपनियाँ क्या है, वो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको देखते हैं तो हम, जब वो होते हैं उदास होते हैं, सैड होते हैं, गुस्सा होते हैं, उनको देख के आप हो जाते हैं हैप्पी। सो यही एक ज़िंदगी का फॉर्मूला, वेरी सिंपल फार्मूला, हम चारों बन जाते हैं टायर और चलते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं छोटे चिंगू मिंगू के साथ। और कहीं ना कहीं वो चोर मेरे को याद आ गया, भैया क्या गजब तरीके से, मतलब एक मिनट से भी कम टाइम में उखाड़ा उखूड़ो, पता नहीं क्या हाथ में क्या था उसके, एक मिनट से भी कम टाइम में उखाड़ उखाड़ के ले गया, पीतल का था वो, हाँ पीतल का टूटी था, अभी करंटली हमने लगा तो दिया दूसरे वाला, बट वही है वो, उसने बात है भैया उसने ध्यान ही नहीं दिया, या तो बड़ा अतरंगी था या किसी नशे में था या नशेड़ी था क्या वो,
पहाड़ में जाए दुनिया, मैं करूंगा चोरी, और मैं करूंगा चोरी। जिस तरह वो कहते हैं ना हैवी ड्राइवर है, तो ये हैवी चोर था, बड़ा हैवी चोर है। कि विक्रम भाई का मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है, ऑटोमोटिव 17 करके उनका यूट्यूब पेज है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते हैं वो, ठीक है, एंड काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताते हैं। मतलब एक होता है ना जो प्योरली जिसको नॉलेज होता है, पता नहीं मैंने क्यों देख रहा हूँ उनका वीडियो, बट मैं देख रहा हूँ, और उनके पास है हैरियर का, बेसिकली मैं हैरियर ब्लैक कलर का उनका हैरियर है, सो कभी थार ब्लैक कलर, कभी हैरियर ब्लैक कलर, ऐसा नहीं क्या ब्लैक कलर, ब्लैक बेसिकली ब्लैक कलर कॉमन है, बट एक बल्किनेस वो चीज़ है ना, वो पता नहीं क्यों देख रहा हूँ, आएगी नहीं आएगी वो तो खैर अलग चीज़ है, बट देख रहा हूँ, अभी तो पैसा भी नहीं है ना, पैसे के कैसे, समझ गए ना, सब देख के हम खुश हो जाते हैं, मन बहला लेते हैं, ठीक है। वो तो विक्रम भाई का देख रहे थे, काफ़ी डिटेल में वो चीज़ें बता रही हैं, अभी उनका लाइक थर्ड फर्स्ट सेकंड सर्विस तो बेसिकली होता है, थर्ड सर्विस पे एक्चुअली मैं उनको देख रहा था, 10,496 रुपये का बिल आया उनका थर्ड सर्विस पे, जिसमें सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है यार, लोटस वगैरह का टेम्पल है उसमें, और फ़ोन देखते कहाँ से आया है, क्या से नहीं आया, कि बच्चों की आने वाली है चीजी, क्या चीजी जो हमने मंगवाई थी उस टाइम, वो मांगे थे क्या, और बीच में गुस्सा दीजिए, ट्यूबलाइट ना कौन सी, एक्चुअली उनका वॉल क्लॉक आने वाला है, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा घर पे के वो खोले ना बच्चों के आगे, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू टेक द रिएक्शन ऑफ देम, कि क्या जब उनको देखेंगे, उनको वॉल क्लॉक देखा, टाइगर वाला था शायद हमने किया, या ब्लू कलर वाला था, पता नहीं ध्यान नहीं, सो जो भी था बहुत बेहतरीन था, बच्चों को पसंद आया था, हमने वो ऑर्डर किया था, सो वॉलमार्ट से किया था, WALLMART वॉलमार्ट से किया था, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे, अब कर लिया है तो अब वो आ भी गया है, पकड़ा हुआ था यहाँ पर इस टाइम, ठीक है, और वो आ गया है, आ तो मतलब वो आया था पहले भी, 13 तारीख को आ गया था, बट 13 तारीख को हम थे जम्मू में, वहाँ पे सिग्नल नहीं थे, मेरे पास मैसेज तो आ गया था, उसके बाद कल कुछ ऐसा हुआ कि एक तो नींद इतना ज़बरदस्त तरीके से आ रहा था, और उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे वर्कलोड मेरे ज़्यादा था, तो मैं काम में इतना क्या, मैं फ़ोन ही नहीं कर, एक्चुअली इतना ज़्यादा काम होता ना कि आप समझ रहे, फ़ोन अपने खुद पर्सनल काम के लिए मैं फ़ोन नहीं कर पाता, इतना मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज उसके बाद फिर टाइम पता नहीं कैसे बीत जाता है, देखो कहीं ना कहीं दोपहर तक मेरे को आ रही थी नींद ज़बरदस्त, उसके बाद मैंने पिया एक और कॉफ़ी, अब उसके बाद शाम कैसे हो गई पता ही नहीं लगा, दिस इज़ द वे हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग ऑन, उस इसीलिए मैं कहता हूँ, बट लाइफ बड़ी जल्दी निकल रही है, पता नहीं कैसे निकल रही है, बट निकल रही है, और वो निकल रही है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज डैट लाइफ, सो इसलिए मैक्सिमाइज योर वर्क इन द मिनिमम लिमिट अमाउंट ऑफ टाइम, ओके, मैक्सिमाइज योर वर्क इन अ मिनिमम लिमिट अमाउंट ऑफ टाइम। अभी कई चीज़ें ऐसी है ना एकदम से लाइक माइंड में आती हैं, बोल देता हूँ, और वो कहीं ना कहीं चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, सुनता हूँ हाँ अच्छी, और हाँ मैंने एक्चुअली शायरी अपनी बेगम को पूछा था, वाइफ को पूछा कि मेरी शायरी यार एक बार वैसे बताना कि मेरी मतलब कैसी लगती है शायरी जो मैं बजाता हूँ, है नॉर्मल, डाउन, या ओके, या एकदम हाई, तो उन्होंने बिल्कुल और मैंने कहा उनको मैं बिल्कुल ट्रू बताना कि ट्रू क्या है, तो उन्होंने कहा आपकी लगती है मीडियम, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कहा कि एक चीज़ मेरे को बेहतरीन लगती है, मैंने कहा क्या, कहते जैसे आप बना लेते हो ना, मतलब किसी भी समय कोई भी आप एकदम से बना लेते हो शायरी, सो वो एक वो चीज़ है, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो चीज़ है, अब देखो अब ये वाली चीज़ तो उन्होंने कही है, अब हर बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसी को कैसे पसंद आता है, किसी को कैसे पसंद आता है, सो मेरे को जो चीज़ लगती है, मैं अभी मीडियम में हूँ हाँ, बट ये है मीडियम से हल्का सा ऊपर मेरा भी वही है कि मैं शायद बना लेता हूँ शायरी किसी भी सिनेरियो को देखते हुए, जिस तरह 3-4 लोग खड़े हैं तो उन्हीं के ऊपर ड्रेसअप के ऊपर उनके बातचीत करने के ढंग के, कहीं ना कहीं मैं वो बना लेता हूँ, सो बस वही चीज़ है। और आज मैं थोड़ा सा लेट इसलिए किया क्योंकि थोड़ा काम था, तो वो काम ज़रूरी था, काम ऐसा था कि एक बुलावा था, तो वो बुलावा भी मैंने मतलब कम्प्लीट किया, और अब जा रहे हैं ऑफिस के लिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ कि मैं जिस भी बंदे से मिलूँ उस बंदे से मैं बात करके लाइक वो बंदा मुझे याद करे कि हाँ भाई भैया बंदा बड़ा ज़बरदस्त था, मेरे भूले ना कि मस्त एकदम मस्त ज़बरदस्त है ना, बाकी भाई ये जैसे आपके दांत एक बराबर नहीं है, हर बंदा बराबर नहीं होता, ठीक है, बट हर बंदे का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, बट अगर आपने एक अच्छी वे में एक अच्छे उसमें सिनेरियो में अप्रोच किया उस बंदे को और कुछ बताने का कोशिश किया
डेट इज इट, डेट इज इट, इट डजेंट मैटर कि उसको वो चीज समझ आए या ना आए, बट आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लेके अगर किया एक पॉजिटिव नोट के साथ, तो डेट इज द मेन थिंग, डेट इज द मेन सिनेरियो जो आपको हमेशा आगे बढ़ाता है, आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अगर आपका माइंड क्लियर है, आपका थॉट क्लियर है, आपका हार्ट क्लियर है, एकदम पॉजिटिव की पॉजिटिविटी आपके अंदर कह दिया ना कूट कूट के भरी जा रही है, अब वो भरी कहाँ जा रही है, डेट इज वन ऑफ द फैक्टर। In order to grow our family to big as बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहां से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास, करो सब्सक्राइब।